लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन इन झटकों के बीच जो मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन गया है वो है किसान और जवानों का मुद्दा। साथ साथ जाट समाज की नाराजगी भी बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़ी है और बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए नए नए नेता किसानों और जाट वर्ग को लामबंद करने में जुट गए हैं। बीते दिन ही राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कस्वा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी पहले ही राहुल कस्वा का टिकट काट चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी छोड़ने से पहले राहुल कस्वा ने अपने लिए जाट समाज और किसान वर्ग के बीच संवेदना की नई सियासी जमीन तैयार की। उसने राजस्थान में जाट और किसान वर्ग के साथ साथ जाट बनाम राजपूत की लड़ाई को उग्र रूप दे दिया। वहीं राहुल कस्वा के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी के हिसार से सिटिंग सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भी हाल ही में पार्टी को बाय बाय बोल कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। वो भी जाट और किसान वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ने राहुल कस्वा को लेकर ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा था कि अब साथ मिलकर किसानों, युवाओं और शोषित वर्गों की आवाज उठाएंगे। हालांकि इतना ही नहीं, राहुल कस्वा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह और बॉक्सर साथ ही कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह ने राहुल कस्वा से मुलाकात की। इन तीनों की मुलाकात की जानकारी खुद राहुल कस्वा ने ट्वीट कर दी। ट्वीट में कस्वा ने ब्रिजेंद्र सिंह और विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी शेयर किया। अब इस तस्वीर से साफ है कि कांग्रेस पार्टी खासकर राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जय जवान और जय किसान के नारे के साथ मजबूती से बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर इन दोनों नेताओं के बीजेपी छोड़ने के बाद हरियाणा सरकार में जिस तरह का उलटफेर हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि किसानों की नाराजगी मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गई। खैर, अब कांग्रेस इस मुद्दे पर कितना मजबूती से आगे बढ़ती है ये आने वाला वक्त तय करेगा।